और आमिर खान और अमिताभ बच्चन एक साथ पहली बार स्क्रीन पर आए उसका इंतज़ार आज ख़त्म हुआ। बहुत 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 अच्छी लगी दोनों की एक्टिंग। एक्टिंग में अमिताभ बच्चन के ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन आमिर खान भी तो लाजवाब है और दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छा है और पिक्चर भी अच्छी है। आमिर खान एज ऑलवेज ही हैज पर्टिकुलर टेस्ट ऑफ सिलेक्टिंग अ मूवी, दैट्स व्हाई ही हैज टेकन अप दिस मूवी। सो डेफिनेटली ही हैज हिज ओन ऑरा, अमिताभ जी हैज एन ओन ऑरा, एंड आई एम अमेज्ड बाय फातिमाज एक्टिंग, लाइक शी स्टैंडर्ड आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, एंड ऑफ कोर्स कैटरीना हैज डन वेरी गुड डांसिंग। अमिताभ बच्चन का जो रोल है काफ़ी पावरफुल रोल है, काफ़ी दमदार रोल है, तो आप देखोगे वो स्क्रीन में काफ़ी बढ़िया लगते हैं। आमिर खान का बहुत चटपटा और बहुत बढ़िया रोल है, लास्ट फ्रेम तक आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि वो क्या करने वाले हैं, तो दोनों को एक साथ स्क्रीन में देखना और पूरी मूवी में देखना बहुत ही मज़ेदार है। इट्स रियली गुड। आई थिंक इट्स फॉर क्लास ऑडियंस, क्योंकि बहुत ही मुझे लगा जैसे मैंने कोई हॉलीवुड मूवी देखी है, इतने अच्छे VFX इफेक्ट्स और इतने अच्छे एक्शन सीन्स और दो इतने मज़े हुए, इतने बखूबी एक्टर्स अमिताभ बच्चन और आमिर खान, तो वो इट्स अ ट्रीट इन इटसेल्फ, यू नो, सोने पे सुहागा वाली बात है। तो कैसी लगी आपको अमिताभ बच्चन आमिर खान की दोनों की? अमिताभ बच्चन तो है ही, जो भी वो रोल निभाते हैं यू जस्ट गेट इन टू दैट, और आमिर खान इज़ नोन फॉर हिज परफेक्शनिस्ट अप्रोच, तो उनका आमिर खान का बहुत ही डिफरेंट टाइप का रोल था और उनका किरदार बहुत डिफरेंट था, उनकी लुक बहुत डिफरेंट थी, तो आई थिंक उन्होंने हर सीन में 100 नहीं 200% दिया, बहुत ही अच्छा रोल निभाया। और अमिताभ बच्चन के बारे में तो क्या कहें, ही इज सच अ वर्सेटाइल, यू नो, गिव हिम एनी रोल एंड ही कैन डू इट। अरे हो गया क्या तुम लोग को? ये दादा 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 रुको रुको, गेट के अंदर क्यों?